नमस्कार, मैं मुकेश जोशी और आप अभी देख रहे हैं हम आप तक न्यूज चैनल। अभी मैं दरभंगा जिला में हूं और यहां पे देख सकते हैं बिहार के दरभंगा जिला में अभी खड़ा हूं, मिथिलांचल में खड़ा हूं। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी लोग कार्य प्रगति पर काम कर रहे हैं, काफ़ी मजदूर जो है इधर भी चाहेंगे कि इधर भी घुरा दीजिए। इधर एक तरफ जो है मिट्टी का काम हो रहा है तो एक तरफ क्या हो रहा है, ढलाई हो रहा है। उधर देखिए, उधर घुराइए कैमरा को और उधर चाहेंगे कि कैमरा मैन से घुराने का प्रयास कीजिए। इधर जो है देख कितना तेज़ी से काम हो रहा है, कभी इतना तेज़ी से काम काहे हो रहा है, क्या कि 12 तारीख को जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो यहाँ पे आ रहे हैं इसको उद्घाटन करने के लिए। और देखिए यहाँ पे ढलाई का काम हो रहा है जो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और काफ़ी इसमें लेबर जो लगे हुए हैं, देख सकते हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ भी, देख सकते हैं यहाँ पे ढलाई का काम जो है जारी हो रहा है और आप लोगों को ऊपर भी ले जाके दिखाएंगे, पूरा तारामंडल का जो है पूरा शेयर करवाएंगे आप लोगों को यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, देख सकते हैं अभी मैं गेट पर हूँ जो कि आप लोगों को ऊपर ले जाके दिखाऊँगा। ये कहीं ना कहीं दरभंगा वासियों के लिए जो है ये सौगात ही एक तरह से। आपको बता दें यहाँ पे जो है टिटोरियम मतलब कि इसमें 3 भवन बनाया है जिसमें जो 300 कुर्सी बैठने के लिए बच्चों डायरेक्ट जो है रूबरू हो पाएंगे चांद तारा से। यहाँ पे पढ़ाई होगा बच्चों को, आप देख सकते हैं जो तारा मंडल जो है। और जैसे कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, क्या चीज़ कटिंग कर रही है आप? ये चदरा कटिंग कर रहे हैं। चदरा कहाँ पे लगेगा ये? ये फैन में लगेगा। अच्छा, फैन में ये चदरा लगेगा? कौन सा फैन मतलब? एडजस्ट फैन में लगेगा ना। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्ट फैन के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? काम कर रहे हैं ना। और देखिए यहाँ पे काफी लेबर जो है मजदूर जो है लगे हुए हैं। जैसे कि हम आप लोगों को ऊपर चल के दिखाते हैं इस गोल घर का जो है ये जो तारा मंडल का नजारा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ से आप आए भाई? टूर करने के लिए आए क्या? देखने के लिए आए हैं। और देखिए अभी भीड़ लगने वाला है क्योंकि अभी का काम जो है इस पे चल ही रहा है और ये 12 तारीख से इसका उद्घाटन हो जाएगा। मित्रों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी लोग आप लोगों को नजर आएंगे। इधर देख सकते हैं काम चल रहा है क्योंकि जो है 12 तारीख को इसके उद्घाटन होने वाला है। देखिए यहाँ पे कितना ये अजूबा ही एक तरह से जो है दरभंगा वासियों को कहीं ना कहीं मिला है। काम जो है पूरा तेजी से चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी जो है लेबर जो है लगे हुए हैं। इसमें जो है ट्यूटोरियम की सुविधा दी जाएगी बच्चों को और 300 देख सकते जो अर्ध गोला के डिजाइन में तारा मंडल को जो है बनाया गया है। यहाँ पे ये इसमें जो है विज्ञान के बारे में इसमें बताया जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखते हैं कि तारा होता है तो यहाँ से देखते हैं दूरी पे तो पता नहीं चलता कि ऐसा लगता है नज़दीक में तारा है। जैसे कि अगर कोई पहाड़ को आप 2 पहाड़ को दूर से देखते हैं तो लगेगा कि दोनों पहाड़ एक ज्वाइंट है, लेकिन आप उसके करीब जाते हैं तो पता चलता है कि पहाड़ों की दूरी कितनी होती है। तो तारा जब हम लोग ऊपर देखते हैं तो पता नहीं चलता कि लोग नक्षत्र की बात किया जाए तो 27 नक्षत्र होता है। तो बच्चों के विज्ञान के बारे में जो है सही तरीका और नज़दीके से जो जान पाएंगे, अंदर में जाकर के जो है वो रूबरू डायरेक्ट जो है तारा मंडल से हो पाएंगे और पढ़ पाएंगे और विज्ञान के बारे में भौगोलिक के बारे में जो है अच्छे तरीका से जो नॉलेज ले पाएंगे। ये चीज़ जो है दरभंगा वासियों को कहीं ना कहीं मिला है और ये पटना से भी बहुत बड़ा है, भयानक है कहा जा रही है। और ये यूनिक, इसको जो है US की कंपनी डिजाइन की है जो कि पटना से बिहार का दूसरा तारा मंडल जो कि दरभंगा में, और ये पटना से भी बहुत बड़ा तारा मंडल है जिसका काम जो 90% जो है समाप्त हो गया है, चरम सीमा पर काम है। इसको 2 फेज में बनकर तैयार होना था जो कि पहला फेज काम जो हो चुका है और ये दूसरा फेज है जो अंतिम चरण ले चुके हैं। और 12 जनवरी को जो है सीएम नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी आएंगे इसको उद्घाटन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल वूल जो है लग रहा है और काफी लोग यहाँ पे मजदूर जो है काम कर रहे हैं, मतलब फूल लगा रहे हैं। क्या चीज़ का ये फूल है? क्या चीज़ है? लतरुआ फूल है। लतरुआ फूल है? लतरे कब तक चलेगा ये फूल? 3 साल तक। 3 साल ये फूल चलेगा जी? हाँ, 3 साल चलेगा ये फूल, कंफर्म कर रहे हैं 3 साल चलेगा ये फूल, ऐसा नहीं कि 2 दिन में सूख जाएगा। नहीं, चलेगा 3 साल। और जैसे कि देखिए ये फूल जो है 3 साल चलेगा भैया के बताने, लेकिन यहाँ पे देखिए हर प्रकार का जो फूल लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से लोग आएंगे। और देखिए यहाँ पे तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे काम जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और फूल वूल जो है लग रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं अभी जो खड़ा हूँ तारा मंडल के, ये जो यही तारा मंडल है, यहाँ जो है जो बिजली लगेगी वो जो है यहाँ के सोलर प्लांट का सुविधा है, वो इसी से यहाँ पे चलेंगे। सोलर प्लांट की भी सुविधा है यहाँ पे और यहीं से बिजली उत्पादन होगी। यहाँ की 12 तारीख को जो है नीतीश कुमार जी आने वाले, इसीलिए जो इतना काम जो है तेज़ी से चल रहा है। ये 2019 में ये बनना स्टार्ट हो गया था, आज 2023 हो गया है
है, तो काम जो है 90% जो है हो गया, यानी कि 2019 से काम चल रहा है, 4 साल हो गया है और कंप्लीट हो गया तारामंडल। यहाँ पे बच्चे आएंगे, 300 कुर्सी अंदर बनेंगे और डायरेक्ट विज्ञान के भौगोलिक खोजों के बारे में जो है, अंतरिक्ष के बारे में, नक्षत्र के बारे में, काफ़ी ऐसे विज्ञान में जो है वो जानेंगे, सीधे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे काम कर रहे हैं हम भाई साहब, जान क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार यादव। कब से काम करते हैं यहाँ पे आप? ये पहली बार की। पहली बार की हैं? अतः इससे पहले इतना तेजी काम चलता था? नहीं। आज क्यों चल रहा है इतना तेजी काम? नीतीश कुमार जाने वाले, देख सकते हैं यही बिहार है और नीतीश कुमार जी आने वाले, इसीलिए जो है इतना तेजी से आज काम चल रहा है। तेजी से काहे काम चल रहा है भैया? कल परसों में नीतीश कुमार आने वाले। परसों नीतीश कुमार जी आने वाले हैं ना, इससे पहले तेजी क्यों नहीं काम चलता था? अब क्या, आप लोग यहाँ पे कितना बड़ा है काम करने के लिए? हम लोग कम से कम महीना दिन से हो गया। एक महीना से आप काम कर रहे हैं? आप कितना दिन से कर रहे हैं? हम तो पहली बार। आज पहली बार, यानी कि जितना लेबर स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है मजदूर, इतना पहले से पहले आपको जानकारी होगा क्या काम करता था इसमें? जितना आज कर रहा है इतना नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं इतना हुआ था ना? ये सब दर्द कर रहा है क्या? अच्छा, बोले यार सब दर्द कर रहा है आज। यहाँ पे देखिए कितना मजदूर जो है, जहाँ इस पूरा ये जो है कैंपस से पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर में बगल में कैदराबाग है, कैदराबाद के बगल में जो है तारामंडल है, कैदराबाद बगल में है और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर में तारामंडल है। जैसे कि आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं दरभंगा में, पॉलिटेक्निक कॉलेज और कैदराबाद के बगल में तारामंडल जो है निर्माण हो गया, जो कि सीएम नीतीश कुमार जी 12 तारीख को यहां पे आएंगे इसको उद्घाटन करने के लिए। इसी कारण से जो है काम इतना तेजी से चल रहा है और चारों बगल जो है काम सीधा मजदूर लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हर तरह से जो है फूल वूल लगाया जा रहा है, दरभंगा वासियों को कहीं ना कहीं सौगात मिला है। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा वैद्यनाथ पासवान। सर कब उद्घाटन होगा सर? इतने इसकी जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी है सर? सर ये तारा मंडल जो है कब से बनना स्टार्ट हो गया था सर? वो भी जानकारी नहीं बाबू, जबकि यहीं के रहने वाले, काम में व्यस्त थे, ऑफिस में रहते। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ के, मतलब बगल के हैं आप, तो घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं? अच्छा, तो कैसे महसूस हो रहा है सर ये ऑफिस स्टाफ निकले? अच्छा सर, ये दरभंगा में जो एक तरह से जो सौगात मिला दरभंगा वासियों को, ये तो बहुत बेस्ट, बहुत बेस्ट हुआ ना सर ये? बहुत बेस्ट। हाँ, देख सकते हैं डेवलप का एक बहुत बड़ा है ना जो कंप्लीट हो चुका है बिहार में। ये बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल है, बिहार का एक पटना में भी है, लेकिन इतना बड़ा, इतना यूनिक जो है कहीं का तारामंडल नहीं है। इसे यूएस की कंपनी जो है डिजाइन की है। इसमें डायरेक्ट बच्चे जो है विज्ञान के बारे में, भौगोलिक जो है उनके बारे में डायरेक्ट लोग जानेंगे, तारा के बारे में उनको जो है अंदर से जो है जानकारी मिलेगी। चलिए आप लोगों को दिखा दिए हैं, चारों बगल जो है काम चल रहा है और 12 तारीख को जो सीएम नीतीश कुमार जी आएंगे इसको उद्घाटन करने के लिए। इसी के सिलसिला जो काम इतना तेजी से चल रहा है, नहीं तो इतना तेजी से काम जो यहाँ पे नहीं चल रहा था मित्रों। और इसके बगल में भी दिखाएंगे, इसके अगल बगल क्या स्थिति है क्या नहीं।